धार जिले में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। तिरला में गुरुवार को जनपद पंचायत कर्मचारी सड़क पर उतरकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किए और शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुड़ा डॉक्टरों के बाद अब मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को धार जिले के तिरला में जनपद पंचायत कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 12 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इस आंदोलन में करीब 18 विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। आंदोलन कर रहे सभी कर्मचारियों ने मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के कारण, आदेश के कारण आज हम सब अर्धनग्न होकर हमने जो अनूठे प्रकार से जो मांग रखी है या जो हमने प्रदर्शन किया है वो आप सबने देखा है। और ये हमारी मांगे है कि जो 17 कर्मचारी संगठन हैं, हमारी मांगे हैं वो सरकार जल्द से जल्द माने। जब तक नया मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम आंदोलन पर रहेंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। आज आपके द्वारा यहाँ पे जो धरना स्थल पे क्या प्रदर्शन किया गया? हमने अर्धनग्न होकर सरकार को दिखाया गया है कि हमारी मांगे पूरी करिए, ये हमारी मांग थी और हमने जो ये किया है ये हमारा एक मांग करने का एक अलग अनूठा तरीका था। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारे जो प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश संयुक्त मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय दिनेश जी शर्मा और रोशन सिंह जी परमार, इनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। यदि इन्होंने भी कहा है कि हमें 30 तारीख तक के लिए रैली निकालना है और जंगी प्रदर्शन करना है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है, इसके बावजूद यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो प्रदेश नेतृत्व हमें आदेश करेगा कि हमें सड़कों पर उतरना है तो हम सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं और हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जंग जारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, करो या मरो। और मैं इस माध्यम से सरकार तक अपनी बात भेजना चाहता हूं कि माननीय शिवराज मामा, जब हम कर्मचारी दिन रात मेहनत करके हम सफलता जुटाते हैं, सरकार का नाम रोशन करते हैं, और जब हमारे मांगने की बारी आती है या हमें दिए जाने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारा बजट खाली हो चुका है। लेकिन जब आपके विधायक, मंत्री, सांसद, इन लोगों का वेतन बढ़ाने की बारी आती तो तब आपका कोई बोझ नहीं बढ़ता, वहाँ कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ता। हमको देने की बारी आती तो वित्तीय बोझ बढ़ता है। ये कौन सा न्याय है और हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम अपना परिवार चला रहे हैं और हमारे परिवार के लिए इस प्रकार का अन्याय? मामा, मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 2018 के चुनाव में आप खून के आंसू रो चुके हो, क्या फिर से रोने की इच्छा है? कर्मचारियों की उपेक्षा मामा बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। इस चीज को आप समझ लीजिए और हमारी मांगे जल्द से जल्द मांग मान लीजिए। और हमें जिस प्रकार भोपाल में बुलाकर आपने हमारी मांगे मंजूर की थी, ऐसे ही बुलाकर सम्मान पूर्वक हमारी मांगे मान लीजिए, वरना अंजाम 2023 में भुगतने के लिए तैयार रहना। खबर मध्य प्रदेश के लिए धार से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।